जागते रहो। आज तुम्हें एक नई चीज बताता हूं। एक शब्द है दमन, एक शब्द है संतुलन, संयम। दमन और संयम, तुमने जो आज तक दमन और संयम के विषय में सुना है ना, वो ये सुना है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे तथाकथित महात्माओं के हिसाब से वो एक ही शब्द है, संयम करो। विषय वासनाएं प्रबल है तो विषय वासनाओं का संयम करो, उसका दमन करो। क्रोध है, काम है, लोभ है, ईर्ष्या है तो उसका दमन करो, अपने ऊपर संयम रखो। दमन बहुत पहले शब्द बना था, आज इसका शब्द का अर्थ विकृत हो गया है। आज दमन हर आदमी, हर व्यक्ति दमन से मतलब केवल दबाने से लेता है। दमन का तात्पर्य है रूपांतरित। आपके अंदर काम की ऊर्जा है, क्रोध की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही प्रकार से यूज़ कर लेना, यह है दमन का अर्थ। दमन का अर्थ दबाने से नहीं है। जैसे संयम, संयम का अर्थ तुम क्या लेते हो? तुम्हारे हिसाब से संयम का अर्थ है केवल दबाना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, संयम रखना। नहीं, गलत। संयम का अर्थ है संतुलन, एक संतुलन बनाए रखना, अपने भीतर सृष्टि के लिए, परमात्मा के लिए, गृहस्थ के लिए, बिजनेस के लिए। ये जो संतुलन है ना, इसका नाम है संयम, दमन का नहीं। एक मैंने पहले भी तुम्हें सिद्धांत बताया था ना, दमन के ऊपर लागू होता है। बुद्धिमान पुरुष राह के पत्थरों को भी काटकर राह की सीढ़ियां बना लेते हैं। क्या किया? पत्थर रास्ते की रुकावट थी। तुमने क्या किया? उसी रुकावट के कारण रुके नहीं, बैठे नहीं, पत्थरों को उठा के भी दूर फेंकने की नहीं सोची, उसी को काटा, सीढ़ी बनाई और उसी पत्थरों के ऊपर चढ़ गए अपनी मंजिल तक। तो दमन का यही मतलब है कि तुम्हारे पास जो भी वस्तु रास्ते की रुकावट है, उसके कारण उलझना नहीं है, दबाना नहीं है, उसको यूटिलाइज करके आगे बढ़ जाना है। यही है दमन। और दूसरा है संतुलन। संतुलन क्या है? संयम क्या है? संयम का नाम ही संतुलन है। संतुलन बैठाना है, तालमेल बैठाना है। संयम, संयम का मतलब अपने आप को नियंत्रण में रखना नहीं, संतुलन में रखना। जैसे एक पंक्ति सुनो, एक पंक्ति है सागर, सागर महासागर, सागर संयम में रहता है। संयम मतलब संतुलन में, अपना संतुलन बनाए रखता है। संयम का ये मतलब है, मर्यादा का ये मतलब है। संयम और मर्यादा का मतलब दमन नहीं है। दमन एक अनपढ़ व्यक्ति, डंडे के दम पर काम करने वाला जानवर, उसके लिए संयम, नियंत्रण, दमन अलग अर्थ रखता है। उससे तुम दमन का मतलब दबाना ही मानोगे, लेकिन तुम बुद्धिजीवी हो, मनुष्य हो, मनुष्य के रूप में संयम का मतलब नियंत्रण नहीं,
संतुलन है, संतुलन बनाए रखना। अगर तुम अपने जीवन में मर्यादा, संयम, संतुलन बनाए रखोगे ना, जो शांति तुम्हें चाहिए अपने जीवन में, जिस शांति के तुम जो है लालायित रहते हो, बुद्ध जैसी शांति, महावीर जैसी शांति, वो शांति तुम्हें तुम्हारे घर में मिलेगी। उस शांति के लिए तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। शांति दो प्रकार की होती है, एक शिवालय जैसी शांति, शिवालय जहाँ शिव है, पार्वती है, नंदी है, गणेश है, कार्तिकेय हैं, लेकिन शांति मस्त है, वहाँ कोई उपद्रव तो नहीं है, शांति है। दूसरी शांति मरघट वाली शांति, तुम्हारे शमशान की। अब तुम्हें कौन सी शांति चाहिए तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, शिवालय वाली शांति या मरघट वाली शांति? मरघट वाली शांति भी कुछ लोगों को चाहिए होती है। मैंने एक दिन दिनेशानंद से पूछा, मैंने कहा तुम मरघट क्यों जाते हो? तुम कहते हो तुमने 27 साल मरघट में बिताए, क्यों बिताए, क्या लाभ? कहता जी घर में पत्नी उपद्रव करती है, बच्चे उपद्रव करते हैं, इसलिए मैं शांति की तलाश में मरघट जाता हूँ। ऐसे ऐसे तो महात्मा हैं तुम्हारे। अब तुम जानो तुम्हें कौन सी शांति चाहिए। पत्नी उपद्रव करती है, पत्नी उपद्रव करती दिखी क्यों? बाल बच्चे उपद्रव करते दिखे क्यों? क्योंकि पत्नी बच्चों में परमात्मा नहीं दिखा। जिस दिन पत्नी बच्चों में परमात्मा दिख जाएगा, उस दिन उनका उपद्रव दिखेगा ही नहीं। परमात्मा उपद्रव कर रहा है, ऐसा कभी संभव है? कभी भी नहीं। तो पत्नी बच्चों में जब परमात्मा दिखेगा, जीवन संतुलन में चलेगा, संयम से चलेगा, तो तुम सही अध्यात्म कर पाओगे, तो तुम सही अध्यात्म को समझ पाओगे। वही अध्यात्म है। इसके अलावा उपाय, उपाय अध्यात्म नहीं है। और शांति, शांति का तात्पर्य है चुप रहने से नहीं है। अक्सर लोग ध्यान करने बैठते हैं ना, वो सोचते हैं ध्यान तब होगा जब बिल्कुल चारों तरफ शांति ही शांति होगी, बिल्कुल साइलेंस होगा। शांति का मतलब साइलेंस से नहीं है, शांति का मतलब तुम्हारे भीतर के संतुलन से है, तुम्हारे उपद्रव से। शांति, एक व्यक्ति घर में चुपचाप बैठा है, वो उसी को लेके आते हैं। हमारा एक ही करैक्टर है, दिनेशानंद, दिनेशानंद, उसके मन में हमेशा ये चलता रहता है, एक सिद्धि और आ जाए, दो साधनाएं और आ जाएं, 108 लक्ष्मी साधनाएं कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ये इस मन को तुम शांत कहोगे? ऐसा मन शांत हो सकता है? नित नूतन नई पाने की चाह। मैं लोगों को ऐसे ऐसे पकड़ लूं कि लोग छूट ना पाएं, लोग मेरे शिष्य बन जाएं, लोग मेरे आगे आके रोएं, ये चाह। अगले जीवन में मैं करोड़ोंपति बनूं, ये चाह। क्या ऐसा मन कभी शांत हो सकता है? तमाम दुनिया की अशांति उसके अंदर विद्यमान है। तो शांति का मतलब चुप रहना नहीं, शांति का मतलब प्रेम सौहार्द से रहना। घर में बच्चे हैं, खूब शोर शराबा हो रहा है, सब एक दूसरे से प्रेम से रह रहे हैं, बोल रहे हैं, ये है शांति। चुप रहना
यानी मरघट की शांति, गृहस्थ यानी शिवालय की शांति, तुम अपने घर में कैसी शांति चाहते हो, इसको देखो। अध्यात्म जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, अध्यात्म सिखाता हूँ, तुम्हारे घर में रहना भगोड़ों की बात ही नहीं, तुम्हारे तथाकथित महात्मा भगोड़े हैं, उन भगोड़े नहीं बनना तुम्हें, तुम्हें शांति का सही अर्थ समझना है। आज इतना ही। अंत में तुम सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।